एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश होता है वो मिस्टी और ब्रॉक को अलविदा बोलने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। तभी वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे एक बार फिर से अपने सफर पे जाना है। और वो मतलब उसकी जो मॉम होती है वो हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे लगा ही था तुम इतनी दिनों तक ऐसे खाली बैठ ही नहीं सकते और तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे और वो भी मतलब तुम्हारी तरह ही थे। उसका जो ऐश की मॉम होती है वो ऐश से पूछती है, ऐश तुम कहाँ जाने वाले हो? तो ऐश बताता है कि मॉम मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी जो ऐश की मॉम होती है वो बोलती है, ऐश मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पापा जो जहाँ गए हैं वहाँ जाने चाहिए। तो ऐश पूछता है कि मॉम मेरे पापा कहाँ गए हैं? और ऐश की जो मॉम होती है वो बताती है कि तुम्हारे पापा जो है ना वो पाली रीजन गए हैं, वहाँ तुम्हें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मिलेंगे और काफ़ी सारे तुम्हें नए पोकेमॉन भी देखने को मिलेंगे और तुम्हें उन सबको दोस्त भी बना पाओगे और हाँ तुम अपने पापा से भी वहाँ पर मिल पाओगे। और ऐश ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ऐश अपनी मॉम से कहने लगता है, मॉम ये पाली रीजन कैसी जगह है, मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। तभी जो ऐश की मॉम है वो बताती है कि ये पाली रीजन जो रीजन है ये काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर रीजन है और यहाँ पर जो पोकेमॉन मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। इसे सुनने के बाद ऐश और पिकाचू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो मतलब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जो ऐश की मॉम होती है वो बताती है कि ऐश तुम अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी मतलब काफ़ी देर हो गई है तो तुम जाके अभी अपने मतलब कमरे में जाओ और आराम से मतलब थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ, तुम कल जाने चले जाना। और जो ऐश है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन जो अपना ऐश होता है वो जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और वो जा ही रहा होता है तभी जो गैरी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो अपना ऐश है वो मतलब गैरी को बताता है, गैरी और मैं मतलब पाली रीजन जा रहा हूँ और पाली रीजन काफ़ी कमाल की जगह है। तभी जो गैरी होता है वो बताता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है और वहाँ पर जो पोकेमॉन मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर होते हैं और वहाँ का जो फिनोमेना है उसके बारे में मुझे स्टडी करनी है तो मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ जल्दी। ये सुनने के बाद ना अपना ऐश भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मतलब गैरी भी वहाँ पर चलेगा। मतलब गैरी से पूछता है, ऐश मतलब गैरी तुम मेरे साथ चलो ना, तो गैरी जो होता है ना वो तैयार हो जाता है। उसका जो गैरी होता है वो ऐश से कह रहा है, ऐश चलो एक बैटल हो जाए, एक वन ऑन वन बैटल हो जाए और मैं एक चैंपियन के साथ बैटल करना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि मैं चैंपियन को हरा सकता हूँ या नहीं। जो अपना जो ऐश होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मतलब बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो अपना गैरी होता है वो अपने ब्लास्टोइड को निकालता है और जो अपना ऐश होता है वो मतलब पिकाचू को निकालता है और वो लोग बैटल स्टार्ट करते हैं और इसी मतलब इस बैटल में मतलब जो अपना पिकाचू होता है वो जीत जाता है क्योंकि उसके पास एडवांटेज होती है। इसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग पाले रीजन के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एयरपोर्ट पर ब्रॉक मिल जाता है और जो ब्रॉक होता है वो मतलब ऐश को आवाज़ देता है, ए ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो ऐश जो होता है वो मतलब ब्रॉक को बताता है कि मैं पाले रीजन जा रहा हूँ और हाँ मतलब ब्रॉक जो होता है ना वो बताता है कि हाँ मैं भी पाले रीजन जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है और जो नल जय होती है वो मतलब मुझे मदद के लिए बुला रही हैं और मैं मतलब उनकी मदद करना चाहता हूँ। और जो अपना ब्रॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि हाँ मतलब नल जय के साथ मतलब उसे फ्लर्ट करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जो वो लोग होते हैं ना जो तीनों निकल लेते हैं पाली रीजन की तरफ और वो लोग पाली रीजन पहुँच जाते हैं। तभी वो लोग पाली रीजन पहुँचते हैं तभी जो ऐश है वो एक अजीब से पोकेमॉन को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो कलर होता है वो रेड होता है और वो काफ़ी अजीब पोकेमॉन होता है। और जब जैसे ही मतलब जो ऐश है वो मतलब बताता है कि गैरी और ब्रॉक को बताता है कि वो पोकेमॉन देखो वहाँ पर, तो वो जो पोकेमॉन होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो गैरी और ब्रॉक होते हैं वो उस पोकेमॉन को नहीं देख पाते हैं। तभी उन्हें प्रोफेसर ओक का फोन आता है और प्रोफेसर ओक बताते हैं, ऐश तुम पाली रीजन में हो? और तभी जो ऐश है वो बताता है, हाँ मैं पाली रीजन में हूँ। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि जाओ तुम्हें ना मतलब प्रोफेसर टोल से मिलना चाहिए, वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और हाँ वो तुम्हें पाली रीजन में मदद करेंगे तुम्हारी। और वो लोग जो होते हैं ना वो लोग प्रोफेसर टोलू से जाके मिलते हैं और वो लोग उनकी लैब में जाते हैं और तो वो लोग प्रोफेसर टोलू से मिलते हैं और वो लोग जो प्रोफेसर टोलू होता है वो मतलब ऐश का वेलकम करते हैं, हाँ वेलकम है ऐश तुम यहाँ पर मतलब तुम्हारा स्वागत है। तभी वहाँ पर दो नए ट्रेनर आ जाते हैं। जो प्रोफेसर टोलू होते हैं वो उन ट्रेनर को तीन नए पोकेमॉन दिखाते हैं जो पाली रीजन के स्टार्टअप पोकेमॉन होते हैं और वो लोग जो होते हैं ना वो उनका नाम होता है, एक का नाम होता है जॉय और दूसरे का नाम होता है रिको। तो जो रिको होती है वो स्प्रीटीटो को चूज़ कर लेती है। उसका जो रॉय होता है वो फ्यूको को चूज़ कर लेता है और जो ऐश होता है मतलब ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर क्या मैं एक पोकेमॉन ले सकता हूँ इनमें से, मुझे भी एक पोकेमॉन चाहिए। और जो प्रोफेसर होते हैं वो मतलब ऐश को ऐश पे थोड़ा दया खा के मतलब ऐश को मतलब दे देते हैं, हाँ ठीक है तुम भी एक पोकेमॉन ले सकते हो। और मतलब लास्ट में एक क्विगजी बचा होता है तो ऐश मतलब क्विगजी को ले लेता है और ऐश क्विगजी को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी खुश होता है ऐश और पिकाचू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का था और वो प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर और वहाँ पर किसी पोकेमॉन ने हमला कर दिया है। और वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्पल कलर का एक पोकेमॉन होता है और उसके साथ एक ट्रेनर भी होता है और वो लोग मतलब शेर पर हमला कर रहे होते हैं। और तभी जो रिको होती है वो मतलब उसका स्पीडीटो से मतलब हमला करने को बोलती है लेकिन वो जो ट्रेनर होता है वो अपने पोकेमॉन को हमला करता है वो बोलता है और वो एक ही मूव में उस स्पीडीटो को हरा देता है। और जो अपनी रिको होती है वो मतलब नीचे गिरने लगती है
और तभी वहाँ पर एक एयर बलून आ जाता है और वो लड़का जो होता है ना वो रिको को बचा लेता है। और उसके बाद भी एक पिकाचू होता है और वो जो लड़का होता है वो मतलब उस पोकेमॉन से लड़ने लगता है और वो अपने पिकाचू को हमला करने को बोलता है और वो उससे थंडरबोल्ट से हमला करने को बोलता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तभी जो ऐश होता है वो भी अपने पिकाचू को हमला करने को बोलता है और वो दोनों साथ में हमला करते हैं और वो उस पोकेमॉन को हरा देते हैं। और उसका जो वो जो ट्रेनर होता है वो वहाँ से मतलब भागने लगता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और तभी वो जो एयर बलून वाला वो जो लड़का होता है वो रिको से पूछता है, रिको तुम ठीक तो हो ना, और मेरा नाम है फ्रेड है और हाँ ये मेरा पार्टनर है पिकाचू और हम दोनों साथ में मतलब एयर बलून से हम सफ़र करते हैं हर जगह। तो तभी मैंने मतलब देखा कि तुम नीचे गिर रहे हो तो मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें पर बचा लिया। और वो सभी मतलब एक बार फिर से लैब में वापस जाते हैं और तभी जो रॉय होता है वो मतलब ऐश को देख के कहता है कि तुम तो मतलब चैंपियन हो ना, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है रॉय और वो कहता है कि मैं मतलब तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक चैंपियन बनना चाहता हूँ। तभी जो रॉय होता है वो ऐश का ऑटोग्राफ मांगता है और ऐश भी मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हाँ पहली बार किसी ने मुझे ऑटोग्राफ तो मांगा कम से कम। और मतलब उसके बाद जो ऐश है वो उसे ऑटोग्राफ देता है अपना और मतलब फिर वो रॉय और रिको जो होती है ना वो वहाँ से चले जाते हैं। उसका जो गैरी होता है वो भी मतलब कहने लगता है कि हाँ ऐश मुझे भी अभी जाना चाहिए, मुझे भी काफ़ी सारी रिसर्च करनी है और मुझे मतलब काफ़ी सारा काम है तो मुझे अभी जाना होगा, तो हम फिर मिलेंगे और अगली बार जब मैं बैटल करूँगा तब मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा। उसका जो ऐश और ब्रॉक होते हैं वो गैरी को गुड बाय बोलते हैं और उसका जो ब्रॉक होता है वो ऐश से कहता है ऐश हमें जल्दी से मैसा को सिटी जाना चाहिए, नर्स भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी जो ऐश और ब्रॉक मतलब वहाँ से जाने लगते हैं तभी जो प्रोफेसर डोरू होते हैं वो ऐश को बताते हैं ऐश रुको ये पोकेडेक्स है और हाँ ये कुछ पोकेबॉल भी हैं तुम्हारे लिए और इससे जो पोकेडेक्स है जो तुम्हें पाले रीजन के सारे पोकेमॉन के बारे में बताएगा जानकारी, और वो पोकेडेक्स और पोकेबॉल ऐश को दे देते हैं। उसका जो ऐश और ब्रॉक होते हैं वो मतलब मैसा को सिटी के लिए निकल जाते हैं और वो जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक पोकेमॉन मिलता है जिसका नाम होता है सूडल और ऐश उस पोकेमॉन को मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद आता है ऐश को। उसको जो अपना ऐश होता है वो अपने कोजी को निकालता है और उससे वो बबल अटैक करने को बोलता है और वो मतलब उस पोकेमॉन पर बबल अटैक करता है, लेकिन वो पोकेमॉन जो होता है ना वो बच जाता है और उसका जो पोकेमॉन होता है वो मतलब कोजी पर हमला करने लगता है। तभी जो ऐश है वो एक बार फिर से अपने कोजी को बोलता है कि कोजी जाओ उस पर एक बार फिर से हमला करो, और जो कोजी होता है वो इसका जो मूव होता है इस बार एकदम सही निशाने पर लग जाता है और जो पोकेमॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज होता है और जो अपना ऐश होता है उस पोकेमॉन के ऊपर एक पोकेमॉन फेंकता है और जो पोकेमॉन होता है वो मतलब आता नहीं और वो पोकेमॉन जो होती है टूट जाती है और वो पोकेमॉन जो होता है ना वो वहाँ से मतलब भागने लगता है, तो ऐश भी उस पोकेमॉन के पीछे भागने लगता है। ऐश भाग ही रहा होता है तभी जो रॉय होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो लोग टकरा जाते हैं और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। उसका जो रॉय होता है वो मतलब ऐश से पूछता है चैंपियन क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर और किसके पीछे भाग रहे हो तुम, तो ऐश बताता है कि मुझे उस पोकेमॉन को पकड़ना है और मैं उस पोकेमॉन के मतलब पीछे भाग रहा था। तभी जो रॉय होता है वो ऐसे कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस पोकेमॉन को पकड़ने में, मैं एक चैंपियन की मदद करने वाला हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग उस पोकेमॉन के पीछे भागने लगते हैं और वो पोकेमॉन जो होता है ना वो एक वाटरफॉल्स के पास आ जाता है और तभी वहाँ पर जो टीम रॉकेट होती है ना अपनी और वो टीम रॉकेट भी वहाँ अपेयर हो जाती है और उस पोकेमॉन को मतलब पकड़ने की कोशिश करती है और वो उस पोकेमॉन को पकड़ लेती है। उसका जो टीम रॉकेट होती है ना जेसी और जेम्स और वो कहते हैं ऐस हम अब तुम्हारे पिकाचू को भी पकड़ने वाले हैं और वो लोग मतलब एक पे उस पर ना नेट फेंक देते हैं पिकाचू के ऊपर और जो पिकाचू होता है उस नेट में फंस जाता है और तभी जो अपना रॉय होता है वो अपने फ्यूको को निकालता है और उससे मतलब एम्बर अटैक करने को बोलता है और एम्बर अटैक से जो उसका बलून होता है ना टीम रॉकेट का वो मतलब उसमें आग लग जाती है और वो बलून मतलब फटने लगता है। तभी वो जो पोकेमॉन होता है ना सूडल वो मतलब टीम रॉकेट की कैच से मतलब बाहर आ जाता है और वो निकल जाता है और वो उन टीम रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है और टीम रॉकेट जो होती है ना वो मतलब हवा में उड़ जाती है और मतलब हमेशा की तरह वो कहते हैं कि हाँ एक बार फिर से फेल हो गए नहीं, और उसका वो पोकेमॉन जो होता है वो मतलब बच जाता है और वो मतलब ऐश के साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है और ऐश अपने कोएक्जी को एक बार फिर से निकालता है और वो उससे मतलब बैटल करता है और इस बार जो कोएक्जी होता है वो सूडल को हरा देता है और ऐश अपने पोकेमॉन फेंकता है और इस बार जो सूडल होता है वो मतलब पकड़ में आ जाता है ऐश के और वो ऐश मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो रॉय होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो ऐश होता है वो अपने सूडल को निकालता है और उसे गले लगा लेता है, ये मेरा नया पोकेमॉन मेरा पाले रीजन का पहला पोकेमॉन। और उसका वो जो ऐस जो ब्रॉक होता है वो ऐसे कहता है ऐस हमें अभी जल्दी जाना चाहिए, अब नर्स जो मेरा कब से इंतजार कर रही है। उसका जो ऐस होता है वो कहता है कि हाँ अब हमें मैसाकोसा जाना चाहिए। तभी जो रॉय होता है कि क्या मैसाकोसा तुम वहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, तो तभी वो जो रॉय होता है वो ऐस को मैसाकोसा मतलब ऐस और ब्रॉक को मैसाकोसा सिटी लेके जाता है और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसका जो अपना ब्रॉक होता है वो दौड़ते हुए पोकेमॉन सेंटर जाता है और नर्स जॉय के पास पहुँच जाता है और जो रॉय होता है वो इसे देख के कहता है कि इसे हुआ क्या, और वो ऐसे बताता है कि नहीं ये मतलब ये सब नॉर्मल है, ये मतलब होता रहता है इसके साथ और कभी कभी ऐसे दौड़े पड़ जाते हैं मतलब ब्रॉक को कभी कभी दौड़े पड़ जाते हैं लेकिन ये मतलब नॉर्मल है। तभी जो रॉय होता है वो ऐस को मतलब नारंजा एकेडमी के बारे में बताता है कि नारंजा एकेडमी एक एकेडमी है जहाँ पर मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं पोकेमॉन स्टूडेंट और वहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ सिखाते हैं और जो रॉय होता है वो ऐस को मतलब नारंजा एकेडमी में लेके जाता है
तभी वहाँ पर उसने रिको दिखाई देती है, और जो रिको होती है वो ऐश के बाद आगे मतलब कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऐश बताता है कि हाँ मैं बस यहाँ पर घूमने आया हूँ। तभी वहाँ पर काफी सारे मतलब बच्चे आ जाते हैं और ऐश को मतलब चैंपियन चैंपियन मतलब चिल्लाने लगते हैं कि चैंपियन चैंपियन चैंपियन। और ऐश मतलब काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो लोग मतलब जो बच्चे लोग होते हैं ना वो ऐश को मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर जो नारेंजा एकेडमी के जो प्रोफेसर होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी जो नारेंजा एकेडमी के जो प्रोफेसर होते हैं वो ऐश से पूछते हैं कि तुम चैंपियन हो ना। तो ऐश बताता है कि हाँ मैं चैंपियन हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो ऐश से कहती है ऐश मैं तुम्हारे साथ मतलब बैटल करना चाहती हूँ। और वो जो लड़की होती है वो मतलब पाले रीजन की चैंपियन होती है, और उसका नाम होता है निमोना, और वो मतलब ऐश के साथ बैटल करना चाहती है। तभी जो ऐश होता है वो हाँ मतलब मैं तैयार हूँ बैटल के लिए, और वो लोग मतलब बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो ऐसे वो बताता है निमोना को कि मेरे पास सिर्फ दो पुकिन है। तो निमोना कहती है हाँ ठीक है अब हम टू एंड टू करते हैं। तो निमोना जो होती है ना वो सबसे पहले अपना पुकिन निकालती है। तो ऐसे जो होता है ना वो मतलब इस पुकिन को कभी उसने देखा नहीं होता, तो वो पोकेडेक्स निकालता है और उस पुकिन की पोकेडेक्स चेक करने लगता है। उस पोकेडेक्स में बताता है कि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पुकिन है, और वो इस पाले रीजन का एक इलेक्ट्रिक टाइप पुकिन है, इसका नाम है पोमी। तो ऐश भी मतलब अपने पिकाचू को निकालता है, और वो लोग मतलब बैटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना ऐश होता है वो आयरन टेल से उस पर हमला करता है, लेकिन जो पोमी होता है वो बच जाता है। और पोमी मतलब ऐश पे मतलब ऐश की पुकिन पे थंडरबोल्ट से हमला करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और जो ऐश है ऐश भी मतलब थंडरबोल्ट से हमला करता है। जो ऐश का जो मतलब पिकाचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग होता है, इसलिए पोमी पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इसका जो अपना जो पोमी होता है वो फिर से एक बार मतलब हमला करने लगता है, लेकिन जो अपना पिकाचू होता है वो बच जाता है। और जो पिकाचू होता है वो आयरन टेल से हमला करता है और पोमी को आसानी से मतलब उसे हरा देता है। उसका जो निमोना होती है वो अपने स्पीडी टीटो को निकालती है, और निमोना मतलब जो होती है ना वो अपने स्पीडी टीटो को हमला करने की बोलती है, और ऐश जो होता है ना वो अपने पिकाचू को हमला करने को बोलता है, लेकिन जो पिकाचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और वो मतलब हारने लगता है। लेकिन जो पिकाचू होता है उसका जो पिकाचू होता है वो स्पीडी टीटो पे क्विक अटैक से हमला करता है, और क्विक अटैक जो होता है वो एकदम निशाने पर लगता है, जिससे जो स्पीडी टीटो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक हो जाता है। और पिकाचू जो होता है एक बार फिर से वो आयरन टेल से हमला करता है, और वो स्पीडी टीटो को ईजिली हरा देता है, और निमोना को वो मतलब काफ़ी आसानी से मतलब हरा देता है उसके सारे पोकेमॉन। उसका तभी वहाँ पर ना टीम रॉकेट आ जाती है, और वो ऐश के पिकाचू को और निमोना के स्पीडी डीटो को पकड़ लेती है। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो अपना डायलॉग मतलब सुनाने लगती है कि यार दुनिया को बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जेसी जेम्स और म्याउथ। इतने में जो ऐश होता है वो अपने क्वेक्जी को निकालता है, और वो अपने क्वेक्जी को मतलब हमला करने को बोलता है, और जो क्वेक्जी जो होता है ना वो स्पीडी डीटो और पिकाचू को मतलब वहाँ से निकाल लेता है। और जो टीम रॉकेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो अपने पोकेमॉन को निकालती है और वो ऐश पे हमला करने लगती है। लेकिन जो स्पीडी टीटो और वो पिकाचू होता है ना ऐश का, वो मतलब फिर से हमला करते हैं और टीम रॉकेट पे, और वो लोग जो टीम रॉकेट होती है ना उनके पोकेमॉन एक ही बार में हार जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। उसका जो अपना पिकाचू होता है वो थंडरबोल्ट से मतलब टीम रॉकेट की बलून पे हमला करता है, और जो टीम रॉकेट का बलून होता है वो एक बार फिर से फट जाता है, और वो लोग मतलब फिर से उड़ जाते हैं, एक ही एपिसोड में दो बार वो मतलब उड़ जाते हैं। तभी जो सभी लोग होते हैं ना वो ऐश और निमोना के लिए और चेयर करने लगते हैं। तभी जो ब्रॉक होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और वो निमोना को देख के मतलब उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो उसके मतलब प्रपोज करने लगता है। तभी जो उसका क्रोगंग होता है वो बाहर आता है, और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, और उसकी जो मतलब पीठ होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और जो क्रोगंग होता है उसकी टांग पकड़ के मतलब खींचने लगता है, और उसे मतलब घसीटते हुए लेके जाता है वहाँ से। तभी जो अपना ऐश होता है वो बोलता है कि मुझे बोलना बहुत भूख लगी है, और जो निमोना होती है कि वो बताती है कि हाँ मतलब नारेंजा एकेडमी में एक मतलब कैंटीन भी है, तो वहाँ पर मतलब खाना खा सकते हैं। तो सभी लोग मतलब कैंटीन में जाते हैं, और वो लोग मतलब वहाँ पर खाना खाते हैं। तभी जो मतलब निमोना होती है वो ऐश को बताती है, ऐश तुम्हें पता है चैंपियन की भी मतलब रैंक होती है, और जो सबसे मतलब फर्स्ट रैंक पे होता है ना वो पोकेमॉन मास्टर कहलाता है, और तुम्हें भी मतलब अपनी रैंक जो होती है ना वो बढ़ानी होगी। तो जो पाले रीजन है उसमें मतलब कॉम्पिटिशन होते हैं, और तुम्हें मतलब उन कॉम्पिटिशन में काफ़ी सारे मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आते हैं, मतलब चैंपियन आते हैं, सारे के सारे चैंपियन होते हैं, और तुम्हें उन चैंपियन को हरा के अपनी रैंक बढ़ानी होती है। तभी वो लोग मतलब खाना खाते हैं, और फिर वो लोग जा ही रहे होते हैं। तभी जो ऐश होता है उसको मतलब एक कॉल आता है, और उस कॉल में मतलब बताता है कि उस कॉल में मतलब एक बंदा मतलब बोलता है ऐश हमारी मुलाकात जल्दी होगी, और तैयार हो जाओ एक बैटल के लिए, और तुम अपनी तैयारी अच्छे से करना क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। उसके जो ऐश और ब्रॉक होते हैं वो मतलब पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, और वो लोग वहाँ पर आराम करते हैं एक दिन के लिए, और फिर अगले दिन वो लोग मतलब फिर से जाने लगते हैं। तभी पोकेमॉन सेंटर में कोई चिल्लाते हुए आता है कि मतलब नर जो है मेरे पोकेमॉन को हील कर दो जल्दी से। तभी जो मतलब ऐश होता है वो कहता है कि मतलब ये आवाज़ थोड़ी जाने पहचानी लग रही है। तो ऐश मतलब पीछे देखता है तो मतलब वहाँ पर उसे सरीना दिखाई देती है, और मतलब ऐश सरीना को देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो सरीना के पास आता है, और जो सरीना होती है मतलब ऐश को देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है, और मतलब सनमाने लगती है। और मतलब जो ऐश होता है ना ऐश मतलब सरीना से पूछता है, सरीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तो सर ने बताया था कि मतलब मैं मतलब यहाँ पर पाली थी जिसमें एक कॉन्टेस्ट के लिए आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोगों ने मुझसे मतलब बैटल करने की कोशिश की और वो उन्होंने मतलब मुझे हरा दिया। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने मतलब मेरे पोकन की काफ़ी बुरी हालत कर दी। तो मैं बस मतलब पोकन सेंटर में आई थी और अपने पोकन के इलाज करवाने, तभी ऐसा बोलता है कि क्या बुरे लोग वो कौन है। तो सरीना बताती है कि वो टीम स्टार के मेंबर है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, वो लोगों को मतलब जो ट्रेनर होते हैं ना उन्हें फोर्स करते हैं उनसे बैटल करने के लिए और वो उन्हें मतलब काफ़ी बुरी तरह हराते हैं और वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और वो दूसरों के पोकन में भी मतलब उनके नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो ऐसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मतलब वो मतलब उन टीम स्टार के मेंबर से मतलब मिलने का मतलब कहता है कि हाँ मुझे भी उनसे मिलना है और मुझे उनसे बैटल करनी है और मैं उन्हें बहुत बुरी तरह हराने वाला हूँ। तभी जो सरीना होती है वो ऐसे कहती है, ऐस मैं सबसे पहले अपने पोकन का इलाज करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम टीम स्टार के मेंबर के पास चलेंगे। तो जो सरीना होती है वो अपने पोकन को नर्स जॉय को दे देती है और नर्स जॉय होती है मतलब थोड़ी देर बाद वो उसके पोकन को लेके आती है और सरीना के पोकन को लेके आती है और वो सरीना को वापस दे देती है। और जो सरीना होती है वो टीम स्टार के मेंबर के पास लेके जाती है और वो लोग जो होते हैं ना वो लोग अपने पोकन को निकालते हैं और वो लोग सीधा मतलब बैटल करने लगते हैं। तो जो ब्रॉक और ऐस होता है वो भी अपने पोकन निकालते हैं और सरीना भी मतलब अपने पोकन को निकालती है और वो तीनों मतलब एक साथ बैटल करते हैं उन पोकन से और उन ट्रेनर से और वो लोग मतलब काफ़ी बुरी तरह से उन टीम स्टार के मेंबर को हरा देते हैं। तभी जो निमरा होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग जो टीम स्टार के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी जो निमरा होती है वो मतलब बताती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं तो इनसे मतलब दूरी रहना। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो निमोना से कह रहा है, निमोना मतलब एक जाइंट पोकन शहर की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा वरना वो शहर को मतलब पूरा तबाह कर देगा। और निमोना जो होती है ना वो भागते हैं और भागते हुए मतलब उस पोकन की तरफ जाती है और ऐस और उसके फ्रेंड भी मतलब उसकी तरफ जाते हैं और वो मतलब इस पोकन की तरफ मतलब पास पहुँच जाते हैं। और वो पोकन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है वो और वो मतलब उससे मतलब बैटल करने लगते हैं और वो जैसे तैसे करके मतलब जो होते हैं ना वो लोग उसे हरा देते हैं। लेकिन वो जो पोकन होता है वो मतलब एक केव में मतलब जाके चला जाता है और वो एक मतलब कोई जड़ मतलब पौधा जैसा मतलब जो होता है ना वो खा लेता है और उससे जो उसका साइज होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो निमोना होती है वो अपने पोकेमोन को निकालती है और वो उससे बैटल करने लगती है, लेकिन वो जो पोकेमोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो अकेले उससे बैटल नहीं कर पाती। तो ऐस और ब्रॉक और सरीना मतलब वो भी अपने पोकेमोन निकालती है और उससे बैटल करने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब उससे उस पोकेमोन को हरा नहीं पाते। तभी वहाँ पर वो मतलब एक लड़का आता है और वो भी अपने पोकेमोन को निकालता है। उसका जो वो लड़का होता है वो अपने पोकेमोन के साथ कुछ करता है और जो उसका पोकेमोन होता है वो चमकने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है पहले से ज़्यादा। और वो निमोना भी मतलब कहती है हाँ मतलब ये सही आइडिया है और वो भी अपने पोकेमोन को मतलब वही वाली चीज़ करती है और उससे वो उन दोनों के वो पोकेमोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और वो लोग बैटल करने लगते हैं और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हरा देते हैं इस फिनोमेना की मदद से। इसके बाद जो उस पोकेमोन का जो साइज होता है ना वो छोटा हो जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो लोग पूछने लगते हैं उस लड़के से, वो तुम्हारा नाम क्या है मतलब तुम हो कौन। और वो जो लड़का होता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम अरविंद है और मैं मतलब इस पोकेमोन के बारे में रिसर्च कर रहा था। इसके बाद सभी मतलब नारेंजा एकेडमी में वापस जाते हैं। तभी जो नारेंजा एकेडमी के जो प्रिंसिपल होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो निमोना से पूछते हैं, निमोना तुमने उस पोकेमोन को हरा दिया, वो उस पोकेमोन तो शहर में तो नहीं घुस गया। तो वो निमोना बता रही है कि नहीं हमने उस पोकेमोन को हरा दिया और वो पोकेमोन मतलब अभी मतलब ठीक है और वो एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन वो उसने जो जड़ीबूटी मतलब जो उसमें उसने जो पौधा खाया था ना उससे वो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और वो पौधा के मतलब है क्या वो। तब जो प्रोफेसर होते हैं जो नारेंजा एकेडमी के जो प्रिंसिपल होते हैं वो निमोना को बताते हैं वो एक हर्बल मिस्टी का है जिससे वो जो पोकेमोन मतलब खा लेते हैं वो जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और उनका जो साइज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तभी जो ऐस जो होता है ना वो काफ़ी देर से मतलब कुछ बोलना चाहता है तो जो ऐस है ना वो मतलब निमोना से कहता है, निमोना तुमने अपने पोकेमोन को क्या किया था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था और वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का भी था। तो जो निमोना होती है वो ऐस को बताती है मतलब मैंने अपने पोकेमोन को टेरेराइज किया था और ये फिनोमेना है ना जिस तरह पाले रीजन में ही मतलब देखा गया है और इससे जो तुम्हारे पोकेमोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और वो उन्हें जो मतलब जो पोकेमोन होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग जो ताकत मिल जाती है और उनकी जो एबिलिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है और ये फिनोमेना तुम्हें करने के लिए तुम्हें एक पोकेमोन की ज़रूरत पड़ती है। तभी जो ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है निमोना मुझे भी अपने पोकेमोन को टेंशनलाइज करना है और वो मतलब निमोना जो होती है ना वो कहती है हाँ ठीक है चलो करते हैं। और जो निमोना होती है वो ऐस को एक पोकेमोन देती है और जो ऐस है वो अपने कॉलेजी को निकालता है और वो जो निमोना होती है वो ऐस को टेंशनलाइज करके दिखाती है अपनी स्पिरिट वीडियो को और ऐस मतलब समझ जाता है कि मतलब इसे कैसे करना है। तो ऐस जो होता है ना वो भी अपने कॉलेजी को मतलब टेंशनलाइज करता है और वो जो मतलब क्वेक्जी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमाल का लगता है और काफ़ी स्ट्रांग भी लगता है और ऐस मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इसे देख के। उसका जो निमोना होती है वो ऐसे कहती है चलो ऐस एक बैटल हो जाए और इस बार तो मैं ही जीतूंगी और वो ऐस जो होता है वो कहता है कि नहीं इस बार मैं ही जीतूंगा, इस बार भी मैं ही जीतने वाला हूँ तुम देखते जाना। और वो लोग मतलब बैटल करते हैं
और वो लोग बैठे स्टार्ट।